गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मेयर्स, तो दोस्तों ये एडिटोरियल जो है जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण के मुख्य पृष्ठ का भाग है। तो मैं आप बार बार कहता हूँ, यू शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। कुछ लोग हैं कहते हैं कि सर पूरा पेपर पढ़ाया करिए, पूरा एडिटोरियल ही मैं पढ़ाता हूँ, पर जो मेन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट खबर होती है, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। देखिए, कम पढ़ें, पर जितना पढ़ें ना, कम से कम 65-45% उसका आपको गेन हो जाए। और जब दूसरी तीसरी चौथी बार पढ़ें तो लगभग आपको 75% आप कवर कर लें। ऐसी पढ़ाई यदि आपको करना है तभी आप जाकर सिविल सर्विसेज बन पाएंगे। उसके मतलब एज अ जो एक्चुअल में जो स्टूडेंट होता है, जो वहाँ के सोचने समझने की जो उनकी मानसिकता होती है, विचारधारा होती है, यदि उस तरह आप डेवलप करना चाहते हैं तो कम पढ़ें, पर सबसे ज़्यादा बेसिक और व्यवहारिक समझें कि किस प्रकार से समाज में, देश में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा, उस चीज़ों पे ज़्यादा जोर दें तो ठीक होगा। ठीक है, तो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि जो भी कमेंट आप लोग करते हैं मैं उसे अच्छे से पढ़ता हूँ, फिर उन्हीं के विचारों के माध्यम से मैं अपने विचारों को एक्सपेन करता हूँ। ठीक है, जैसे रोड एक्सटेंशन होता है ना, तो मैं माइंड एक्सपेंशन करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड कम्प्लीमेंट। तो आगे चलते हैं, आज हम बात करेंगे दोस्तों तालिबान और भारत की दुविधा, और इसे लिखा संजीव पांडे जी ने। तो आपको भी पता है, तालिबान जैसे संगठन से, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे पूरा विश्व किस प्रकार से पीड़ित है, फिर भी अमेरिका जैसा देश किस प्रकार से मीडिएटर का काम कर रहा है, और तालिबान और अफगानिस्तान की सरकारों को मिलाकर एक सरकार बनाने के बीच में जिस तरह से हिमाकत किया था वो गलत था। यदि ऐसा होता तो दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा पीड़ा भारत जैसे देश को, या उससे जो सटे हुए देश हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनको होने वाली है, क्योंकि तमाम तरह के ऐसे देश विरोधी कार्य किए गए हैं जिनमें पूरी तरह से जो एक्सपोज हुआ है वो तालिबान हुआ है। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है अफगान शांति वार्ता के लिए तैनात अमेरिका के विशेष दूत जलमाय खली लजाद ने भारत को तालिबान से बातचीत की सलाह दी है। खलील जाद की सलाह के बाद बहस जोर पकड़ गई है कि भारत तालिबान से बातचीत करे या नहीं। पिछले साल जनवरी में भारत के नज़दीकी अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने भी भारत को तालिबान से बातचीत शुरू करने की सलाह दी थी। दरअसल तालिबान की ताकत को अमेरिका मान चुका है। उधर पाकिस्तान विरोधी कुछ अफगान नेता भी पाकिस्तान के प्रभाव को कम करने के लिए भारत और तालिबान के बीच बातचीत चाहते हैं। तो आपको बता दें, जो अमेरिका जैसा देश है जिसने तकरीबन 20 साल वहाँ पे जितने भी तालिबान रिगार्डिंग जो वहाँ के मिलिटेंट्स थे सबको मारा, और इसी मारपीट के चक्कर में दोस्तों अमेरिका जैसे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो अमेरिका जैसे देश के जवानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वहाँ के लोगों की भी मृत्यु हुई। तो वो समझ चुका है कि यदि मुझे यहाँ से निकलना है तो सबसे पहले ये जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए, तब जाके मैं इस दलदल से निकल सकता हूँ, अन्यथा ये स्थितियाँ ऐसे ही बरकरार रहेंगी। जो युद्ध 20 साल तक चला और नुकसान सबसे ज़्यादा अमेरिका जैसे देश को हुआ, और देश को बचाने के चक्कर में, ठीक है, मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, यदि अमेरिका जैसा देश अफगानिस्तान में यदि आकर अपना बंकर नहीं बनाया होता, तालिबान जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं लड़ा होता, तो आज भारत जैसा देश बुरी और पूरी तरह से पीड़ित होता। ठीक है, इनका जो सोच था, जो इनकी मानसिकता थी, पूरी तरह से मतलब इनको तालिबान की जो मानसिकता है नेस्तानबूद कर देना अपने अगल बगल जो भी विरोध करे। वैसे तालिबान भी अफगानिस्तान में भारत की मजबूत मौजूदगी को स्वीकार करता है। हाल ही में कई तालिबान कमांडरों ने साफ तौर पर संकेत दिए कि वे भारत से बातचीत को इच्छुक हैं, वे अफगानिस्तान में भारत का महत्व स्वीकार करते हैं। तालिबान पाकिस्तान नियंत्रण से निकलने की कोशिश भी कर रहा है। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ISI अभी भी तालिबान के एक बड़े गुट को नियंत्रण में रखे हुए हैं। सोचिए, जो ISI है, जिसने दोस्तों सीरिया और इराक में इतना जघन्य अपराध किया, किस प्रकार से मानव को शर्मसार किया, आप वीडियो में देखे होंगे किस प्रकार से किसी अमेरिकी पत्रकार को, तो कोई फलाने पत्रकार को, किसी अन्य देश के नागरिकों को किस प्रकार से उनका गला काट रहा है चाकू से। मतलब ऐसे तो कोई जानवर हलाल नहीं करता जिस तरह से वो इंसानों को हलाल कर रहे थे, किस प्रकार से दहशतगर्दी को अंजाम दे रहे थे, लोगों के अंदर डर
को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहे थे। वहीं भारत विरोधी जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के तालिबान के साथ अच्छे संबंध है। अब सोचिए भारत में कुछ ऐसे आतंकवादी जो संगठन है जहाँ पर देख सकते हैं तालिबान जैसे मिलिटेंट्स की जो है पकड़ कितनी प्यारी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी साजिशें जो कंस्पिरेसी आप समझ सकते हैं, तालिबान जैसा जो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यही तो सपोर्ट करता है, यही उकसाता है और फंड मुहैया कराता है, जाओ भारत में विनाश करो। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। जैश और लश्कर के आतंकी पिछले 4 दशक से अफगानिस्तान को धरती पर मौजूद हैं और तालिबान का को सहयोग दे रहे हैं, सोचिए। अब कुछ अफगानिस्तान के ही कुछ लोग हैं तथा कथित लोग जो उन्हें मतलब पोषण दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं और फिर वैश्विक स्तर पर दुनिया के सामने रोना रोते हैं कि भैया वी आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम दीज मिलिटेंट्स विच बिलोंग टू टेररिस्ट, मतलब टेरर का ग्रुप। तो ये दुनिया के सामने बस दिखावा है, पर इनकी जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, वो अलग है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे गंदी मानसिकता, ऐसे कट्टर इस्लामिक से हमें बचने के लिए सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो क्या करनी पड़ेगी आपको पता है। इन मूर्खों से जितनी दूर रहेंगे ना, इन कुत्तों से जितनी दूर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। इनकी औकात है भारत जैसा देश इनसे बातचीत करे, मुझे तो नहीं लगता। भारत को अफगानिस्तान की वस्तु स्थिति का परीक्षण यथार्थ के धरातल पर करना होगा। वस्तु स्थिति यह है कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद अफगान तालिबान अफगानिस्तान के कई इलाकों पर नियंत्रण करने में कामयाब रहा है। अफगानिस्तान की वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई की तरह मजबूती से तालिबान से लड़ नहीं पाए। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में कई सारे सरकारें आई, पर किस प्रकार से तालिबान ने उनको गिरा दिया, उनके वजूद को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि जो तालिबान के तमाम लड़ाकू हैं जिसे अफगानिस्तान सरकार ने अपने यहाँ कैद कर रखा है, उन्हें रिलीज़ करें, उसके बाद मेरे गठजोड़ करें, मुझसे अलायंस करें, उसके बाद हम दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। अब ये दिन आए हैं कि कुत्ते भी शेर के साथ मिलकर सरकारें चलाएंगे। शेर ना कहें तो चोर कहें और राजा कहें। अशरफ गनी के कार्यकाल में तालिबान मजबूत हुआ। कंधार और हेलमंद और जैसे प्रांत में तालिबान इस समय बहुत मजबूत है। अफगानिस्तान के पूर्वी राज्यों में भी तालिबान पहले से मजबूत हुआ है। सच्चाई तो यह है कि इस समय अफगानिस्तान के 70% इलाके में तालिबान की मौजूदगी है। 10-15% इलाके पर तालिबान का पूरा कब्जा है। कई इलाकों में तालिबान सक्रिय है। काबुल पर कई हमले कर तालिबान ने अपनी ताकत दिखाई है। मैं सच्ची बताऊँ एक चीज़ आपको, यदि किसी को यह कह दिया जाए कि भैया आपकी नई नवेली शादी हुई है, आप जाके क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बोलते हैं, हनीमून के लिए आपको अफगानिस्तान में भेजा जाए, सोचिए वो क्या करेगा। मतलब वो डर के मारे मर जाएगा बेचारा। मतलब या आपके मित्र हो, कोई भी हो, अगर टूर पे आप जाना चाहते हैं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, यदि आपको कह दिया जाए अफगानिस्तान जैसे जगहों पे जहाँ पे हर 2 मिनट में बम ब्लास्ट होता रहता है, क्योंकि जो तालिबान है दोस्तों वो देश विरोधी कार्य करते हैं, वो अफगानिस्तान की जो सरकार है उन्हें हर सेकेंड गिराने की कोशिश करते हैं, और अपने वहाँ की जो उनकी ताकत है उनको अफगानी सरकार के सामने मौजूद दिखाने की कोशिश में डेली 50-30 लोग ऐसे ही मर जाते हैं, सोचिए। तो ये स्थिति है तालिबान की अफगानिस्तान की। दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान से शांति समझौता कर तालिबान को और मजबूत बना दिया है। जी मजबूत बना दिया। जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जिसने तकरीबन 20 सालों तक उसका नरसंहार किया, उसके बाद बैकफुट पे आकर अगर वो कहता है कि तालिबान और अफगान की सरकार मिलकर अब वहाँ की सरकार चलाएंगी, तो इससे उसे प्राश्रय मिलेगा, उससे उसको इम्पोर्टेंस मिलेगी, महत्व मिलेगी, वो तो मैं ये चीज़ हूँ, अब मेरे शब्दों को स्वीकारा जा रहा है और अमेरिका जैसा देश स्वीकार रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप कभी कभार मुझे ये लगता है ना, कुछ चीज़ें वो नशे में करता है, जैसे नहीं मदिरा हो, भांग हो, गांजा हो जा फूंक लेता है बंदा, और उसके बाद कुछ डिसीजन ऐसे ले लेता है। यार यदि आपको अपना वहाँ से सेना निकालना ही है तो धीरे धीरे करके आप या फिर सबको बुला लीजिए, पर इस तरह की जो कंस्पिरेसी रणनीति आप तैयार कर रहे हैं
ये चीज़ें अन्य देश जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, पर आप कभी नहीं सोचेंगे। आप तो कभी कभार ऐसे बयान देते हैं, हाँ अभी तो मोदी से बात किए थे, इस विषय में बात किए थे, इस विषय में बात किए थे, अब बाद में पता चलता है कि भैया मोदी जी से तो बातें नहीं हुई है। तो कभी कभार होता है कि शक होता है कि ये बंदा नशे में रहता है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक विकल्प तालिबान से बातचीत भी है, हालांकि तालिबान को अभी भी भारत आतंकी संगठन ही मानता है और मानना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में जो देश विरोधी कार्य किया तालिबान जैसे मिलिटेंट्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, वो बड़ी बहुत बड़ी शर्म की बात है। यदि हम उनसे किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ करते हैं तो अपने जवानों और अपने देश के उन लोगों के खूनों के साथ सौदा कर रहे हैं, यदि वो इस तरह का कार्य करता है। जो चोर है भैया वो चोरी रहेगा, उसका बस एक ही उपाय है, जहाँ मिले दो डंडा मार दो, या फिर उसे समाज से, परिवार से, देश से बहिष्कार उसका कर दो, कि हर जगह वो जाए तो उसका टैग लगे कि भैया ये चोर है, चोर है, जिससे अन्य समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, उससे सचेत हो जाएं। ठीक उसी प्रकार हमें तालिबान के साथ भी करना पड़ेगा कि जो टैग लगा होगा वो लगा रहने दें, कम से कम लोगों को पता तो होनी चाहिए कि इसकी मानसिकता क्या है, इसकी सोच क्या है। अगर भारत तालिबान से बातचीत का रास्ता खोलता भी है तो कई व्यवहारिक समस्याएं आएंगी। इसकी बड़ी वजह अफगान जनजातियों का आपसी संघर्ष है। सोचिए अफगानिस्तान की जो जनजातियां हैं दोस्तों ने, वो तक नहीं चाहती कि तालिबान जैसे मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग बातचीत करें। पश्तून विरोधी जनजातियाँ, उज्बेक और ताजिक पाकिस्तान के घोर विरोधी हैं। ये भारत के साथ रही हैं। यहाँ की चार प्रमुख जनजातियों में से एक पश्तून बेशक मजबूत है, लेकिन उज्बेक, ताजिक और हजारा जनजातियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन जनजातियों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहे हैं। संघर्ष का एक कारण जाति है। संघर्ष का दूसरा कारण सत्ता और संसाधन पर कब्जे का प्रयास है। अफगानिस्तान की कुल आबादी में 42% पश्तून और 27% ताजिक हैं। तीसरी प्रमुख जनजाति हजारा है, जो तालिबान से सबसे ज़्यादा नफरत करती है। हजारा शिया समुदाय है और इसे ईरान का समर्थन हासिल है। भारत को यह पता कि वर्तमान में अफगान प्रशासन में शामिल ताजिक और उज्बेक नेता भारत और तालिबान के बीच किसी तरह की वार्ता को पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसे जनजातियों का हमने नाम यहाँ पर गिनाए हैं, जिसे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, और जब आपका कभी किसी से डिबेट हो, जब आप इन जनजातियों के नाम के साथ आप डिबेट करेंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। वो समझेगा नहीं, इस बंदे ने एनालिसिस अच्छा किया है। अब देखिए यहाँ पे कितनी गहराई और कितनी डिप्लोमेसी से चीज़ों को निकाला गया है। यदि भारत जैसा देश तालिबान के साथ कंप्रोमाइज़ करता है, मीडिएटर का काम करता है, तो भारत को किस प्रकार से नुकसान होने वाला है, किस प्रकार से उसका विरोध प्रदर्शन होने वाला है। भारत की समस्या यह भी है कि अफगान नेशनल आर्मी में हजारा, ताजिक और उज्बेक जनजाति के लोग काफ़ी हैं। पश्तून विरोधी इन जनजातियों का भारत पर लंबे समय से विश्वास है। उज्बेक और ताजिक जनजाति के युवा लंबे समय से भारत में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। आपको पता होगा दोस्तों, यदि नहीं पता होगा, जब हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं अफगानिस्तान के जो लड़के हैं, वो हमारे यहाँ भारत जैसे देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम तालिबान से, मैं ठीक उसी तरह कहूँ, बता दूँ आपको, यदि जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू कश्मीर जैसा देश, सॉरी माफ़ करिएगा, कहीं सोच लिया था, जम्मू कश्मीर जैसा जो राज्य यूटी है, यदि वहाँ के जो विभाजनकारी जो कुछ नेता हैं, अलगाववादी नेता हैं, यदि भारत पाकिस्तान की सरकार उनसे बातचीत करे जम्मू कश्मीर के मसले पे, तो आपको कैसा लगेगा, बस आप ये सोचिए। तो वही स्थिति वहाँ भी है, ठीक है, जो गलत है भैया गलत है, उसके साथ सरकार चलाएंगे, यहाँ बेवकूफ़ बैठे हैं लोग। तालिबान को लेकर भारतीय कूटनीति फिलहाल दुविधा में है। इसके कई और मजबूत कारण है। तालिबान पश्तून जनजाति का संगठन है। पश्तून जनजाति में कई उपजातियां और इनमें भी आपसी संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी ओर पश्तूनों की एक बड़ी आबादी उदारवादी सोच भी रखती है, और उदारवादी पश्तून तालिबान के घोर विरोधी है। राष्ट्रपति अशरफ गनी और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी उदारवादी पश्तून हैं। उदारवादी पश्तून नेता शुरू से ही तालिबान का विरोध कर रहे हैं। भारत का संकट यह भी है कि सिर्फ ताजिक और उज्बेक ही नहीं, बल्कि पश्तून का उदारवादी धड़ा भी भारत की तालिबान से बातचीत का विरोध करेगा। मौजूदा अफगान सरकार भी इसे पसंद नहीं करेगी। हालांकि पिछले साल जब अफगान शांति वार्ता चल रही थी तो हामिद करजई ने भारत को भी तालिबान से बातचीत की सलाह दी थी। इसका एक और कारण भी बताया जाता है कि शांति वार्ता में शामिल अफगान तालिबान का कमांडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की हामिद करजई से अच्छे संबंध हैं।
क्योंकि बरादर और करजई दोनों पोप लजई कबीले से आते हैं। सोच लीजिए तो देख सकते हैं जो अफगानिस्तान में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कबीले से ही ताल्लुकात है उनका। तो कहीं ना कहीं जो कबीला वाली जो हरकतें हैं ना, बुरा मत मानिएगा आप लोग, कबीले वाली जो हरकतें हैं ना वो सामने निकल कर आ जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग जाति संघर्ष में लगे हुए हैं, वैसे वहाँ पे कबीलाई संघर्ष में लगे हुए। अच्छा मैं इस कबीले से आता हूँ तो इस कबीले को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, इस कबीले से ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। आज भी देखिए जब यहाँ पे बातें हो रही तो जनजातियों जैसे शब्दों का उच्चारण हो रहा है जो हमारे यहाँ सैकड़ों साल पहले होता था और आज भी होता, पर गिने चुने जनजाति बचे हैं जिनके संरक्षण की हम बात करते हैं और जो संख्या में कम बचे हुए हैं। पर आज जब हम अफगानिस्तान जैसे देश की जब बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कबीला और जनजातियों की बात करते हैं। तो ये कह सकते हैं ये अभी बाहर नहीं निकले हैं उन चीज़ों, उन मानसिकता से, उस दौर से, लेकिन भारत की समस्या यहीं खत्म नहीं होती। अफगान तालिबान में दो मजबूत गुट काम कर रहे हैं, इसमें एक क्वेटा सूरा और दूसरा हकोना नेटवर्क है। हकानी नेटवर्क पाकिस्तानी सेना का खासा नज़दीक है और भारत का घोर विरोधी भी। इसका मुखिया सिराजुद्दीन हकानी अफगान तालिबान में काफ़ी मौजूद मजबूत स्थिति में। यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका के साथ शांति वार्ता से तालिबान की तरफ में शामिल तालिबान कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास स्थान कजई बेशक पाकिस्तानी सेना के नज़दीक रहे हों, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह भी है कि भारत से उनका गहरा रिश्ता रहा है। ये तालिबान के शासनकाल में राज्य मंत्री थे स्थान कजई ने देहरादून को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण लिया था। तालिबानी कमांडरों की प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षण पाकिस्तान के देवबंदी मदरसों में हुई है, इसलिए पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान का उन पर प्रभाव होना लाजमी है। लेकिन एक सच्चाई यह भी कि अफगान तालिबान ने पश्तून गौरव को अभी तक नहीं छोड़ा है। सोचिए वे हमेशा से पाकिस्तानी हुक्मरानों को शक की निगाह से देखते रहे हैं, समय समय पर उनसे विद्रोह भी किया है, पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की निंदा भी की है। कई तालिबानी कमांडर पाकिस्तानी हुक्मरानों को झूठा, दो जीव और दो मुंह वाला बताते रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क बेशक मजबूत हो लेकिन कई तालिबान कमांडर पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर अपना भविष्य तय करना चाहते हैं। यही कारण कि पाकिस्तान के तमाम विरोध के बावजूद अफगान तालिबान एक धड़े से ईरान से रिश्ता बनाने में संकोच नहीं किया। पिछले साल अमेरिका में मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी से अफगान तालिबान ने अच्छे संबंध बना लिए थे। यह सच्चाई कि अफगान तालिबान ने डूरंड लाइन को स्वीकार नहीं किया। सोचिए अफगान तालिबान ने कई कमांडर भारत का क्षेत्रीय महत्व समझते हैं, वे पश्तून जनजाति और भारत के अच्छे संबंधों की जानकारी भी रखते हैं। तालिबान कमांडरों को यह भी पता है कि पश्तून जनजाति की बड़ी आबादी जो पाकिस्तान मदरसों से दूर रही है भारत को अपना मित्र मानती है। पाक अफगान सीमा के दोनों ओर पश्तून की बड़ी आबादी पाकिस्तानी हुक्मरानों को पसंद नहीं करती। पाकिस्तान का पश्तून तहफूज मूवमेंट इसका एक उदाहरण है। ऐसे में तालिबान को लेकर नई रणनीति बनने की जरूरत है। तो दोस्तों यदि अमेरिका जैसा देश बार बार या अमेरिका के राजनयिक बार बार ये कह रहे हैं कि भारत जैसे देश को तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करना चाहिए, एक नया जो समस्या है उसे हल करके एक नई चीज़ें रखनी पड़ेगी इस दुनिया के सामने, तो ये गलत है। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है ना भारतीय हितों को होने वाला है, और अफगानिस्तान में जो ऐसे तमाम तरह के लोग बसे हुए हैं जिनकी भावनाएं भारत जैसे देश के संस्कृति या वहाँ के लोगों से जुड़ी हुई हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें होने वाला है। तो भारत को कोई दूसरा विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग ज़रूर अपनी राय शेयर करिएगा। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हैं, मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों के शब्दों का। धन्यवाद।